नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद का सर्वे लगातार 3 दिन चलने के बाद सोमवार को पूरा हो गया है। सोमवार को टीम ने नंदी के सामने बने कुएं का सर्वे भी किया, जिसके बाद तालाब को खाली कराया गया और खाली कराने के बाद हिंदू पक्ष जिस बात का दावा कर रहा था वही सामने आया। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के वाराणसी जिले के ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे के तीसरे दिन अंदर शिवलिंग का दावा हिंदू पक्ष से किया गया है, जिसके बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग मिलने की जगह को सील करने के आदेश दे दिए। वाराणसी कोर्ट के मुताबिक हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि 16 मई को मस्जिद परिसर में शिवलिंग पाया गया है। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए CRPF कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वहाँ मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे। मात्र 20 मुसलमानों को ज्ञान व्यापी मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। इसी के साथ ही हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने ये भी दावा किया है कि कुएं के अंदर शिवलिंग है। इतना ही नहीं, सर्वे के बाद बाहर आने पर विष्णु जैन ने थम्स अप का साइन भी दिखाया था। वहीं इस बात पर मोहर लगने के बाद अब विष्णु जैन ने कोर्ट से अपील की है कि वाराणसी के जिला अधिकारियों को आदेशित किया जाए कि शिवलिंग मिलने की जगह पर मुसलमानों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित कर दें। हिंदू पक्ष के वकील ने ये भी कहा कि परिसर में जहां भी शिवलिंग मिला है उसे संरक्षित किया जाना चाहिए, इसको सील करने के लिए CRPF कमांडेंट को आदेशित किया जाना चाहिए। इस याचिका को स्वीकार करते हुए सिविल कोर्ट ने उस स्थान को सील करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही ये भी आदेशित किया है कि वहाँ किसी के भी प्रवेश को वर्जित कर दिया जाए। देखिए, शिवलिंग के बारे में तो मैं नहीं बताता, क्योंकि कोर्ट की साक्ष्य थी, कोर्ट में आने के बाद सबको पता चलता। लेकिन हमारे सीनियर अधिवक्ता हरिशंकर जैन जी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, बहुत अच्छा किया गया, और प्रार्थना पत्र दिया गया कि जो शिवलिंग मिला है उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए माननीय न्यायालय आदेश करे। माननीय न्यायालय द्वारा बहुत अच्छा आदेश हुआ, उन्होंने आदेश किया कि जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को तत्काल प्रभाव से आदेश किया है कि शिवलिंग जो प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें, वहाँ कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता है। पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी, CRPF कमांडेंट वाराणसी को भी आदेश दिया है कि सील किए स्थान को संरक्षित सुरक्षित करें, वहाँ कोई न जाए, और लोकल प्रशासन उसका देख रेख करे। सचिव तक उन्होंने आदेश किया है। यह आदेश बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि इससे पूर्व 1996 में कमीशनी कार्रवाई हुई थी, उसमें बहुत सारे सबूत जो आए थे, या इस बार की कमीशन कार्रवाई में वो सब सबूत नष्ट मिले, नहीं मिले, कम मिले, कुछ सबूत मिले। वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो भी सबूत मिले थे उसे लेकर कोर्ट ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि कोई भी किसी से भी जानकारी साझा नहीं करेगा। इससे पहले सर्वे में शामिल होने से RP सिंह को रोका गया, उन पर सर्वे की बातों को बाहर बताए जाने के आरोप लगे थे। उधर सर्वे के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, 2 किलोमीटर के दायरे तक फोर्स को तैनात किया गया। वहीं अब शिवलिंग के मिलने के बाद सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है। अब देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।